नंदिनी और आप देख रहे हैं ट्रिपल के क्रिएशन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री सुपर इजी डीआईवाईज। इसमें जो फर्स्ट ईयर वह होने वाला है वो होने वाला है एक ब्यूटीफुल सा विंड चाइम। सेकेंड ईयर वह होने वाला है एक छोटा सा स्मॉल वॉल आर्ट जो आप कहीं भी लगा सकते हो और अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। और जो तीसरा डीआईवाई होने वाला है वो होने वाला है एक रिंग लाइट, अच्छा खूबसूरत सा रिंग लाइट और बहुत अफोर्डेबल रिंग लाइट, जो कि हम यूट्यूबर्स टिकटॉक यूजर्स जो टिकटॉक यूज करते हैं और उसके अलावा जो जिनका मेकअप बेस्ड चैनल होता है उन लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉम पॉम बनाने के लिए इस तरह से 50-55 बार इसको लपेट लें। Thank you.
बात आती है तो वॉल आर्ट में हम लगाते हैं पिक्चर फ्रेम्स, फोटो फ्रेम्स, सीनरीज, DIY. बट होना क्या चाहिए, ये सब वॉल में कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और वॉल का बाकी एरिया खाली होना चाहिए. इससे क्या होता है कि वॉल ब्यूटीफुल तो अपीयर होती है, नीट भी अपीयर होती है. लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं था. मैंने ऑलरेडी एक पेंटिंग लगा रखी थी और पापा ने एक पिक्चर फ्रेम लगा दी. अब बीच में कुछ एरिया खाली था. अब उस गैप को फिल करने के लिए मैंने बनाई 3 DIYs. इसमें मैंने कांच यूज किए हैं मिरर वाले. आप वो कोई भी शेप का यूज कर सकते हैं. आपके पास कुछ डेकोरेटिव स्टोन है उसको भी यूज कर सकते हैं. तो DIY स्टार्ट करते हैं. इस DIY के लिए हमें सबसे पहले चाहिए टूथपिक्स. टूथपिक्स को किसी भी बॉटल के ढक्कन में, कोका कोला, थम्स अप, जो भी बॉटल के ढक्कन के ऊपर ग्लूगन की मदद से कुछ इस तरह से हम लगा देंगे. लगाने के बाद अपना मनचाहा कलर कर लेंगे. मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर किया है. इसके ऊपर कुछ कांच लगा दिए हैं. अब चाहे जो शेप का कांच लगाना चाहे लगा सकते हैं. और ये कुछ इस तरह का दिखेगा. लग रहा है ना अच्छा. अब ये किसी भी रंग की दीवार पर अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसमें गोल्डन कलर किया है. रिंग लाइट की बात करें तो रिंग लाइट पड़ता है 7,000 से लेकर 15,000, 16,000, उससे भी ज्यादा. हम लोग ये बनाने वाले 120 रुपए में. 120 रुपए में क्या आने वाला है? 120 रुपए में लाइट्स आने वाली है. कौन सी लाइट्स? दिवाली लाइट्स या झालर भी कहते हैं जैसे. तो ये इस बात के ध्यान रखें कि लाइट्स जो रहे वो व्हाइट कलर की रहे, येल्लो भी ना रहे. अब ये कुछ इस तरह का मैंने काट लिया है. अब इस एल्युमिनियम रोल से इस रिंग को हम कवर कर लेंगे और पीछे इस तरह से टेप से सिक्योर कर लेंगे. ऐसे स्ट्रिप काट लेना है और फिर इनको एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह कवर कर लेना है जैसे रिंग लाइट को कवर किया था. ऐसे स्ट्रिप्स बनाकर पीछे उसी तरह से टेप लगाना है और फिर इनको बाहर की ओर और अंदर की ओर कवर कर देना है कुछ इस तरह से. अब हमारा जो रिंग है वो तैयार हो चुका है. बारी है लाइट्स की. को इस तरह से सेलो टेप की मदद से लगा चिपकाते चलेंगे. इस तरह से पूरा लगा देंगे. बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा और चालू होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा. अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इन सब DIYs में से आपका फेवरेट कौन सा था मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं. और अगर आप इसी तरह से अच्छे अच्छे DIY सीखना चाहते हैं तो ट्रिपल के क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं नंदनी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.